आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी विधानसभा चुनावों का सियासी रण सच चुका है। लगातार सभी राजनीतिक दल जोर तोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री, या सपा के अखिलेश यादव या कांग्रेस की प्रियंका गांधी, लगातार पूरे यूपी में सभी प्रचार प्रसार तेजी से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। जनता क्या सोचती है और जनता आखिरकार किसका क्या मूड है, हम सदर तहसील महोबा विधानसभा की सदर तहसील में खड़े हैं। चूँकि तहसील एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं और यहां अधिवक्ता भी बैठते हैं, जो ज़्यादातर उनको काबिलियत के मामले में अधिवक्ता हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, जो चुनावी माहौल है यहाँ से अच्छा शायद कहीं नहीं मिल सकता। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा और जनता किसके लिए इस बार वोट देने के लिए मूड बना रही है। क्या नाम है आपका? शुक्रपाल यादव। अच्छा, ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार कहेगा जोड़ दे से यार, किसकी किसकी सरकार है? भाजपा नहीं, अभी तो भाजपा की है। किसकी आना चाहिए? हमारे साथ तो सपा की आना चाहिए। सपा, आप ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे? जात के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे? विकास तो योगी जी कह रहे हैं हमने बहुत किया है। बिल्कुल विकास, लाइट आने गई है बिल्कुल, है ना, और गांव में खाद की बड़ी किल्लत है। हम तो गांव से आते हैं, देखते हैं काफ़ी समस्याएं हैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं यहाँ, वकील हैं, तो ये बताइए लोग आते हैं तो क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो इस समय सपा का है। सपा का है? भाजपा वाले कह रहे हैं हम 350 सीट लाएंगे। भाई अभी हम नहीं कह सकते, उनके कहने से क्या होता है, जैसे जनता का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी। ये दादा आए हैं कहाँ से आए हैं? मैं रजौनी महोबा। अच्छा, ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार? योगी जी। हाँ योगी जी, 400 सीटें आ रही उनकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं। अरे उनने किया ही नहीं है। अच्छा, उनने किया ही नहीं है यार, क्या होता, अकेली चेक देने से कुछ नहीं होता है, चेक देने से कुछ नहीं होता है। आप ये बताइए इस बार आप धर्म के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे, जात के नाम पे या राष्ट्रवाद? ना, विकास के नाम पे। विकास जो योगी जी ने विकास किया है, अरे वो कोई ना कर सकता है? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अरे जात पांच ये जहर उन्हीं लोगों ने तो बोला है। अच्छा, हाँ मैं कहता इस बार, योगी। हाँ योगी, 100% योगी। ठीक, ये हमारे साथ है, क्या नाम है आप? योगेंद्र सिंह। अरे ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार? भाजपा। योगी जी मुख्यमंत्री बने? हाँ, योगी जी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश बहुत काम किया है। विरोध करेंगे, अखिलेश विरोध करेंगे, बहुत काम, प्रियंका विरोध करेंगे, लेकिन योगी या नहीं योगी? प्रियंका गांधी ने कहा है महिलाओं को स्कूटी देंगे और बच्चियों को और लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, बहुत बड़ी रैली की। अरे साहब ये प्रलोभन है, प्रलोभन है, प्रलोभन रोकने वाला नहीं है। योगी अब मोदी दोनों आएंगे। आप बताइए 70 साल में कुछ नहीं किया मोदी, 70 साल। अरे ऐसे कैसे आएंगे, काम नहीं किया, अखिलेश कह रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजेश। कहाँ से आए हैं? हवा से। ये बताइए आप क्या क्या सोच कर वोट देंगे? सोचकर योग्यता से। अच्छा, योग्यता से। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने भी बहुत विकास कराया था, योगी ने कुछ नहीं करा, वो कह रहे हैं हमारे काम थे, वो नहीं कुछ दिखा रही सरकार। आप कहाँ से आए? अच्छा, क्या नाम है? इस बार ही बताइए किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी की? मोदी जी ने कहा किया कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। अच्छा, बहुत काम किया, ये बैरागी है, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो जनता के लिए सोचता है। सपा ने भी बहुत काम किया, प्रियंका गांधी भी कह रही हम बहुत काम कराया होगा, लेकिन हमें उनके संगे हमने बोल दिया। अच्छा, आपको बाबा पसंद? बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, हमारे साथ और भी यहाँ कई लोग हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है? अच्छा, ये बताइए इस बार क्या सोच कर वोट डालेंगे और किसकी सरकार? नगर पाल। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार इस बार? गरीब जनता की योगी जी मदद कर रहे हैं, फ्री राशन दे रहे, फ्री ये दे रहे, लोग तो प्रलोभन दे रहे हैं। अभी क्या उनकी सरकार नहीं रही, पीएचडी की रही, सपा की रही,
समझना क्या किया योगी जी ने किया है। अखिलेश यादव कह रहा है कि हमारे जो काम थे वही उसमें अपना नाम जोड़ना है कुछ नहीं ऐसा है जोड़ना है। आज बॉल हम कॉर्नर पे है हम स्टेक मार रहे तो गोल हमारा गल रहा है। अच्छा गोल गल रहा है गोल हमारा समझ हाँ समझ रहे हो ठीक है हम खेलते रहे अखिलेश जी खेलते रहे गोल नहीं कर पाए गोल हमारे साथ और वकील साहब है मैं क्या नाम है आपका वकील साहब रामपाल सिंह यादव। अच्छा ये बताइए इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए अखिलेश यादव अखिलेश जी। अरे योगी जी कह रहे हैं बहुत काम करा है लोग कह रहे हैं योगी जी ने बड़ा काम तो वो बाल ढूंढ के ले आए थे अपने ठोंग है। अच्छा फेंकने के अलावा कोई काम नहीं है भाजपा। प्रियंका गांधी भी तो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कितनी बड़ी रैली की उनने प्रियंका बहुत भीड़ हुई थी उनकी रैली देखी थी आपने देखी तो फिर प्रियंका क्यों नहीं मायावती के टाइम पे इतनी अच्छी कानून व्यवस्था रही वो कह रहे थे लाइट भी अच्छी थी अभी तो बिल्कुल नहीं है देख लीजिए मायावती मायावती ठीक है मायावती कहाँ थी हाँ कानून व्यवस्था तो बड़ी अच्छी रही ना उनके वो कह रहे थे सपा तो गुंडों की पार्टी है ये तो सब गुंडे ही होती है वो कह रहे थे गुंडे ही कहीं नहीं है। अच्छा नहीं है अखिलेश अखिलेश ते हैं आपका क्या नाम है हमारा नाम है नजमुद्दीन। अरे ये बताइए इस बार किसकी सरकार आना चाहिए इस बार सरकार उसी की आना चाहिए जो जनता की सुने गरीब जनता को पेट पाल लेके कोई महोबा में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है कोई फैक्ट्री वगैरह हो यहाँ महोबा में क्या है कौन सी फैक्ट्री है कोई रिक्शा चला रहा है कोई फल की ठिलिया लगा रहा है कोई गरीब जनता ऐसे पल रही है महोबा में क्या कौन सी सरकार ने बीजेपी ने अखिलेश ने कौन सी फैक्ट्री यहाँ बना दी वाले कह रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बना रहे बहुत बड़ा यहाँ विकास यहाँ गन फैक्ट्री बनी बाहर का आदमी बना रहा है जब भी कोई विदेश का हमला होगा तो सबसे पहले महोबा में होगा बताओ ऐसी फैक्ट्री कोई क्या लगता है आपको इस बार आना किसको चाहिए इस बार आना चाहिए हमें तो लगता है मोदी सरकार ने काम किया है बाकी पहले के जो अखिलेश यादव के जमाने के थे काम वो अब काम पूरे हो रहे हैं उसी के पीरियड में साइन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है सपा सरकार ने अब ये बताइए पूरा हो रहा है योगी सरकार के बीच कौन आना चाहिए अभी आना चाहिए मोदी सरकार एक बार फिर आना चाहिए एक बार फिर हाँ पक्का 100% हाँ इस बार पूरा और भी है भैया क्या नाम है आपका संतोष। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अरे योगी जी ने बड़ा काम किया शौचालय दिए आवास दिए सिलेंडर दिए क्या क्या का राशन दिया सब हाँ कागजों में पूरा अच्छा बेरोजगारी यहाँ इतनी बड़े मुद्दा है सब पलायन कर रहे हैं आप ये बताइए आप करते क्या है हम LLB कर रहे हैं LLB कर रहे हैं ये बताइए क्या सोच कर वोट देंगे इस बार परिवर्तन परिवर्तन किस मुद्दे क्या रहेंगे विकास रहेगा रोज बेरोजगारी रहेगी रोजगार जाति रहेगा धर्म रहेगा राष्ट्रवाद रहेगा विकास रोजगार रहेगा। अच्छा तो अखिलेश आना चाहिए पक्का है योगी नहीं आना चाहिए और मायावती कानून व्यवस्था के मामले में बहुत प्रियंका गांधी भी आई थी बहुत बड़ी रैली करके गई प्रियंका गांधी यहाँ यूपी में ना चल पाएगा। अच्छा आप देखिए ये जा रहे हैं इनसे पूछते हैं भैया क्या नाम है आपका ओम नारायण तिवारी नाम है मेरा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए आपको रोक के पूछ रहा हूँ यहाँ लोगों के सामने कि बीजेपी वाले हैं बता रहे हैं कोई काम नहीं किया है अखिलेश के काम भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ना हुआ है और ना अन्य पार्टी कर सकती है केवल भारतीय जनता पार्टी कर प्रियंका गांधी कह रहे थे झूठ बोलते हैं देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस को सबको खूब देख चुके हैं सब लोग और खूब देखा है लूटने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और सपा ने गुंडा राज के अलावा कुछ नहीं अखिलेश ने बहुत काम किया नहीं किया भाई आप ये जनता देख रही है बोल रही है योगी जी ने काम किया है योगी जी ने जो किया है मोदी जी ने जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया किसी ने नहीं किया हम लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आए थे कहते हैं कुछ लोग 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 जो जैसे आप सपा वाले हैं तो बोलेंगे सपा की तरफ नहीं जनता भी तो कह रही है कुछ कई लोग जनता में भी मिलते हैं सरकार में जो काम हो रहे हैं कोई नहीं ये जनता के लोग हैं ये हम नहीं बगल में आप बताइए तो नहीं है आप बताइए क्या सोचकर लोग इस बार वोट देंगे क्या सोचकर क्या मुद्दा कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद रहेगा कि आपका देखिए हिंदू मुस्लिम रहेगा विकासवाद और राष्ट्रवाद तो है ही जो सपने थे ये था कि होने वाले नहीं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं जातिवाद तो खत्म है जातिवाद तो पूरी तरह खत्म रहेगा पूरी तरह खत्म रहेगा राष्ट्रवाद और विकासवाद और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी ये जनता का।
हमारे साथ और भी यहाँ कई लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? ठीक है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? ये बात मोदी जी। अखिलेश ने भी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, जनता की समझ से नहीं किया। जो नोट करेंसी बदल दे तो वो कौन करेगा? अच्छा, क्या नहीं तो क्यों आना चाहिए? कोई काम था किया बताओ। ये आना चाहिए विकास के एजेंडा जो भाजपा सरकार कर रही है वो कौन नहीं किया है? अच्छा, कर रही है। ये भैया है, युवा है थोड़ा भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसको लगा रहे? क्या करते हैं आप? हमको लगा रहे 15 मिनट। तो किन मुद्दों पे? रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे आज? ये विकास क्या क्या विकास? विकास ये हुआ है कि यहाँ पे गरीब आदमी जिसके मकान नहीं थे उसका मकान मिल गया है, उसको क्या बात, आवास नहीं थे आवास आया है, शौचालय नहीं थे शौचालय आए, सड़कें नहीं, सिलेंडर महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, कहाँ जाएगा? डीजल पेट्रोल भी 100 रुपए के पास पास है, फर्क पड़ता है। अच्छा, क्योंकि विकास हो रहा है इस टाइम पे वो ज्यादा दिख रहा है। वकील साहब और भी है, क्या नाम है आपका? अरुण सक्सेना। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी योगी सरकार फिर से पुनः आएगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ये है कार्य? हाँ, एक बार पुनः जो है विपक्ष वाले कह रहे कुछ नहीं किया, काम आलोचना करना है वो कह रहे हैं, हमारे कार जो योजना है उन्हीं का लोकार्पण का लोकार्पण किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, तो उनका कहना गलत है, नाम बदल लिए। जो आज तक नहीं हुआ बुंदेलखंड में वो इस सरकार ने किया है। अच्छा। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सिंचाई की, तो ये माननीय अटल बिहारी का जो सपना था कि नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत कैल बेतवा लिंक परियोजना उन्होंने जो यहाँ पर की है उससे पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र हरा भरा होगा और यहाँ का किसान पंजाब की तर्ज पर यहाँ का किसान खुशहाल होगा, क्योंकि इससे हमारा उर्मिल डैम और मझगुआ डैम दोनों कनेक्टेड हो रही हैं और उससे यहाँ की सिंचाई में बहुत बड़ी योजना होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहाँ पर दिया गया है जिससे भी बहुत बड़ा लाभ है, बुंदेलखंड कॉरिडोर भी है और बुंदेलखंड कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी, ऐसी जनता को फ्री भोजन आ रहे हैं, जनता को फ्री भोजन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। आपका क्या नाम है? इकबाल अहमद। ये बताइए इस बार क्या लगता है किसको आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्या बात, भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई काम नहीं किया अखिलेश कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं। कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कोई वक्तव्य है जो उन्होंने किया उन्होंने अपने लिए कि अपने समाज के लिए क्या बात है, उनके लिए किया इन्होंने, सब जनता को किया, सब समाज को किया, सब धर्म संभाग को किया। सिलेंडर महंगा कर दिया, कौन कहता महंगा? आज दिया नहीं आप लोगों को, दिया नहीं सबको दिया उन्होंने, सिलेंडर फ्री दिया औरतों को दिया। विपक्ष वाले कह रहे हैं फ्री में दिया फिर इतना महंगा कर दिया, विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं वो। अच्छा, चलिए अच्छा, और सुनो, यहाँ पर हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रुपया दिया मकान के लिए, ना देखा कि मुसलमान है, ना देखा हिंदू है, ना देखा चमार है, सबको रुपया दिए रुपया मकान बनाने के लिए, और सरकारों ने दिए तो उन्होंने मकान दिए, इन्होंने नगद पैसा विश्वास किया, इन्होंने जनता पर वोटर पे विश्वास किया, नगद पैसा दिया, उन्होंने विश्वास नहीं किया था मकान दिया, इसलिए ये सरकार आना चाहिए और जरूरी है, इसमें मुसलमान बड़ा सुरक्षित है, अगर वरना मुसलमान रह नहीं पाएगा दूसरी सरकार। मुसलमानों की कोई जिम्मेदार अगर है तो योगी जी होंगे। किसके आज आजम खा जेल में डरे कागे थे, जेल में डरे आजम खा नहीं, हर जगह जहाँ कोई आदमी चला जाए तो केवल लूट खसूट के कुछ और सरकारों में रहा आजम खा। आजम खा की जेल में है कोई सुन रहा है? शांति है। अतीक अहमद जेल में है कोई सुन रहा है उसकी? इनने जैसा किया है भगत रहे, जो लोग भूमाफिया है आतंकवादी लोग हैं इनको भगतना चाहिए, जेलों में रहना चाहिए, मगर इन्हीं के सहारे सपाती आजम खा के और देवरों में डले हैं जेल में, जो ने किया वो उनको मिला। अच्छा, चलिए ठीक है। और हमारे मतलब सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन अन्य सरकारों की कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है, विकास हुआ है कि नहीं लगता है आपको? आप देखिए चारों विकास आएंगे बाबा जी, आएंगे तो लगा युवा
अखिलेश यादव और बाबा जी की उम्र में सिर्फ 2-4 साल का ही अंतर है। हाँ। तो क्या 2 साल पहले वाला युद्ध नहीं रहेगा, 2 साल बाद वाला बूढ़ा हो जाएगा? हाँ, हाँ। इसलिए बाबा जी भी हमारे युद्ध है और युवा है, युवा है जी। हाँ आएंगे आएंगे बाबा जी, पुनः आएंगे। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। रवेन पटी साहब, आप थोड़ा सा क्या नाम है आपका? शंकर राव। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? विकास किसने किया है? कांग्रेस की सरकार रही, सपा की रही, बसपा की रही, अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं होता। अच्छा जो आज हो रहा है, और आज हर आदमी सुरक्षित है, वो बाहर से लेकर के जिन्होंने लूट घसोट की है आज वो भागी भागी कर रहे हैं। आज जो सरकार कर रही है वो सबके हित के लिए कर रही है, भाईचारा बना कर रही है। हाँ बिल्कुल आएगी, वो 100% आएगी, 101% आएगी। अच्छा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी आते हैं और अधिवक्ता भी बैठते हैं, जिनको अधिवक्ताओं को बुद्धिजीवी कहा जाता है। वो वहाँ से हमने दिखाया कि लोगों का मूड क्या है और आगे के विधानसभा चुनावों के क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है बुंदेलखंड का और क्या है महोबा की जनता का मूड और कौन यूपी की सत्ता पर इस बार काबिज होगा। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ एक इतिहास दोहराकर मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर विराजमान होंगे, या फिर सैफई वाले अखिलेश यादव की साइकिल लखनऊ की गद्दी पर पहुंचेगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। साल 2021 समाप्त हो रहा है और 2022 का आगमन हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी आइए, जानते हैं उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? शुभम श्रीवास्तव, एडवोकेट। 2021 खत्म हो रहा है, साल 2022 का आगमन हो रहा है, तो 2022 को आप किन संभावनाओं से देख रहे हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि 2022 सभी के लिए अच्छा और सुमंगल हो, क्योंकि पिछले कई 2 वर्षों से लगातार कोरोना जैसी महामारी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को समूचे अपने धरा उसमें संक्रमण से संक्रमित किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसी गंभीर बीमारी 2020 और 21 में थी, वैसी गंभीर बीमारी 2022 में ना आए और सभी साथी और सभी देशवासी नगरवासी सकुशल अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, बस यही कामना करते हैं हम। 2021 जो है वो सभी लोग खुशहाल रहें। हमारे साथ एक साथी और आइए, जानते हैं इनका क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मौर्य, एडवोकेट। 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 को आप कैसे देख रहे हैं? 2022 हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छा रहे, हमारे नगरवासी हमारे देशवासी सभी के लिए अच्छा रहे, अच्छा माहौल बना रहे, कोरोना जैसी बीमारी आगे के ना आए, हम इसकी कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमर है। 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 को कैसे देख रहे हैं आप? 2022 को फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है, फिलहाल अच्छा ही देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2022 सब हैप्पी निकले, अच्छा निकले, खुशी से निकले, बस 2022 हैप्पी निकले, खुशी से निकले। हमारे साथ एक गहरी भी आइए, जानते हैं इनका क्या? 2021 में तो बहुत ही जन और धन दोनों देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगला साल 2022 जो आए बहुत ही सुख समृद्धि लेकर आए, यही मेरी कामना है। 2022 सुख समृद्धि लेके जाए। हमारे साथ एक लोग ये जानते हैं आपका क्या नाम? सर क्या नाम आपका? शुभम श्रीवास्तव नाम है मेरा। सर 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 को आप किन संभावनाओं में देख रहे हैं? 2022 को हम इन संभावनाओं में देखना चाहते हैं कि जैसा कि 2021 में कोविड चल रहा था, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का, कई लोगों के घर के सदस्य भी नहीं रहे हमारे बीच में, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी कोई बीमारी वगैरह ना आए। हालांकि ओमिक्रॉन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करें, बस यही है, और थोड़ा सा सावधानी रहेगी तभी हम इन सब चीज़ों से लड़ पाएंगे, निपट पाएंगे, और 2022 सबके लिए बहुत बढ़िया रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब लोग तरक्की करें, बस यही मेरी कामना है। सर क्या नाम है आपका? विमल वाजपेयी। सर 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 चालू हो रहा है, तो 2022 को आप कैसे देख रहे हैं? हम ऊपर वाले से यही चाहते हैं कि अच्छा, जैसे अच्छा चल रहा है वैसे ही अच्छा बीते, और चूँकि विगत बीते हुए वर्षों की यादें बड़ी कड़वी रही हैं,
आने वाला वर्ष हमारा अच्छा बीते। 2022 को आप किस तरह की संभावनाओं से देख रहे हैं? समस्याओं से निपट चुके हैं और निपटने की जो समस्याएं बची हुई हैं उनसे भी तैयारी चल रही है। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, इतनी तैयारी ऊपर सरकार ने हमारे और स्वयंसेवी संगठनों ने या पूरे समाज ने कर रखी है कि तो 2022 यानी बहुत बहुत सुखद होगा, बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा 2022 बहुत सुखद होगा। हमारे साथ एक बच्चा भी है, आइए जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सचित वाजपेयी। बेटा साल समाप्त हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो नौ वर्ष को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नौ वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने अपने घर में एक पार्टी रखी है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी बच्चा कर रहा है। हमारे साथ एक गृहिणी भी आई है, जानते हैं इनका क्या? मैम क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है आपका? रूपा वाजपेयी। मैम 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 है, तो 2022 के लिए क्या कहना चाहती हैं? 2022 के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी किसी के भी साथ जो अनहोनी हुई हो उसको ऊपर वाला जो है सहन शक्ति दे, ताकत दे उससे उभर कर आने के लिए, और नई उम्मीदों और नई ऊर्जाओं के साथ ये 2022 जो है हम सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, बस मेरी यही कामना है। थैंक यू। 2022 जो है जीवन में खुशहाली लाए, ये कहना है यहाँ के लोगों का। हमारे साथ एक साथी और है, ये जानते हैं इनका क्या कर? सर क्या नाम है आपका? राजू खान। 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 चालू हो रहा है, तो 2022 को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखे तो बताओ, मैं नया साल कैसा होगा? अब कैसा भी होगा, अब जैसा होगा देखेंगे तो बताएंगे, और इसे कैसे बताएंगे हम? अब कोई चीज़ देखेंगे तभी तो बताएंगे। नहीं, क्या सोच रहे हैं आप 2022 के बारे में? अच्छा होना चाहिए, अब जैसा हो अच्छा होगा ही, अब जैसा है, अब आगे आएगा तो देखेंगे बताएंगे कैसा होगा। नहीं, 2021 की जो कड़वी यादें थी उसमें क्या मतलब देखा, और क्या उम्मीद करते हैं नए साल से कि क्या हो? अच्छा उम्मीद करते हैं, अच्छा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बिजली भी टॉपअप हो गया, व्यापारी भी बर्बाद हो गया, अब जैसा हो अब आगे आने वाला बताएगा कैसा का है। तो यानी मानते हैं कि 2022 सुखद होगा? बहुत अच्छा होगा भाई, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बिंदिया। आप ये बताइए कि 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 आप किन संभावनाओं को देख रहे हैं? सर अभी तो हमारे हाथ से हम लोग बना के बेच रहे हैं, और कैसा चल रहा है ऐसा चला रहे, कैसा देश चला रहे वैसे ही हम भी चल रहे, तो क्या बोले अभी, हमारे हिसाब से चल रहा है दुकान, क्या बोले अभी। 2022 कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सर क्या परिचय है आपका? राकेश गुप्ता। सर 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है, तो क्या संभावनाएं देखते हैं आप? हम लोग तो बस यही चाहेंगे कि व्यापार अच्छे से हो, और ये जो ओमिक्रॉन करके जो आ रहा है वेरिएंट कोरोना का, इसकी समाप्ति हो, लोग अच्छे से तरक्की करें, खुशहाल रहें, और सभी लोग देशवासी हमारे स्वस्थ रहें। सभी लोग देशवासी स्वस्थ रहे। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सर क्या परिचय है आपका? महेंद्र अग्रवाल। सर 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 जा रहा है, तो इस 2022 में क्या संभावनाएं हैं? देखिए 2021 जो कड़वी यादें हमारी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें अपने को कितनों को खो दिया है, इसने हमको इतना कुछ सबक दे दिया कि अपनों को अपने ही नहीं पहचानते थे, अपनों को अपने के लिए तरसना पड़ गया। ये आदमी अगर घर में बीमार पड़ा है वो घर से दूर हो गया, तो 2021 जितना हो गया है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ना हो जो इतनी पोजीशन जो कोरोना में हुई। लेकिन सबको बूस्टर दो, सबको टीके लग गए, तो उम्मीद ये करते हैं 2022 का जो सन आ रहा है वो हम लोग के लिए बड़ी खुशहाली रहेगा, और 2000 ये व्यापार भी चौपट हो गया, हर जगह से मीडियम परिवार मरा हुआ है, कहीं से कोई वो नहीं हुई। लेकिन 2022 के अंदर जो है ये जो अभी बता रहे हैं ओमिक्रॉन चल रहा है, इसमें हम लोग को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करते हुए रहना है, और आगे चल के उम्मीद ये करते हैं कि लोग अपना जो है बूस्टर डोज या जो भी चीज़ है उसको देखते हो। 2022 को क्या किन उम्मीदों संभावना के साथ आप देखते हैं? हम 2022 में सोचते हैं कि जो हमने अपने खो दिया वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन 2022 के अंदर हम लोग को जो है बहुत ही अच्छा मैसेज मिलना चाहिए कि अपना व्यापार भी ठीक से कर सकें, ब्याह शादियाँ भी बच्चों की ढंग से नहीं हो पाई थी, अब कम से कम ढंग से निकले, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को देखते कहीं ना कहीं 2021 की कड़वी यादें भुला के हमारे साथ एक गृहिणी भी आइए, जानते हैं इनका क्या। मैम क्या परिचय आपका? मैं स्वाति। मैम 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 में क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीद है, क्या जोश है?
2021 तो बहुत बुरा बीता है कोरोना, 2000 आने वाला 2022 हम यही उम्मीद करेंगे कि सबसे अच्छा बीते, और ये जो कोरोना है ओमिक्रॉन आने वाला है ये अब ना आए और सब स्वस्थ रहें। कितने लोग गुजर गए फैमिली से और बाकी लोगों से, तो यही कहेंगे कि बस 2000 आने वाला 2022 सब अच्छा रहे, और जो अपने रोज़गार के हैं जो भी हैं सब अच्छे से सबके काम चलते रहें, बस यही कहेंगे। 2021 देखिए हमारे लिए बहुत ही ख़राब था और बहुत दुख की, बड़ी दुख की बात थी, और बहुत से लोगों को हमने खोया है, अपने साथियों को, दोस्तों को और समाज के लोगों को। लेकिन जो हमारा 2022 आ रहा है वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो लोग इस धरती पे मौजूद हैं वो लोग अच्छे से 2022 को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। और मैं कामना करता हूँ कि जो है सब लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, 2022 बहुत ही अच्छा है, और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए और सबसे अच्छा है। और 2022 कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए एक नई उम्मीद और एक संभावना लेके आ रहा है। हमारे साथ एक और गृहिणी आई, जानते हैं इनका मैम, 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 को आप कैसे देख रहे हैं? सोच रहे हैं अच्छा ही बीते, 2021 तो बहुत ख़राब था सब, इतना प्रॉब्लम थी सब कुछ था, अब ये है कि 2021 बहुत अच्छे से बीते, यही हम सब लोग सोच रहे हैं, बस अच्छे से बीते। 2021 की कड़वे यादें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है, जबकि वह साल समाप्त हो रहा है, और सबसे बड़ी है कि 2022 में लोग नई उम्मीद और नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। ये तो आने वाला खैर वक्त ही बताएगा, प्राइम टीवी की भी यही कामना है कि 2021 की भी कड़वी यादें भुला के 2022 जो आ रहा है इसमें नई संभावनाएँ, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ लोगों का भला हो। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।